हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एबीबी की ड्राइव के पैरामीटर के बारे में। तो इसे आज कीपैड के ऊपर कैसे स्टार्ट करते हैं, उस पर ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज का वीडियो है बेसिकली कीपैड स्टार्ट स्टॉप के ऊपर है। कीपैड से स्टार्ट स्टॉप करेंगे एंड रेफरेंस भी है जो वो कीपैड से देंगे हम, यानी कि स्टार्ट स्टॉप भी होगा और स्पीड कंट्रोलिंग है वो भी हमारी जो होगी वो कीपैड से होगी। तो ये वाला पोर्शन है, इसे कीपैड बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम स्टार्ट स्टॉप करेंगे। अभी हमारी VFD ऑफ है, तो पहले इसका मेक एंड मॉडल नंबर देख लेते हैं। मेक है यहाँ पे ABB, तो ABB की है, बहुत अच्छी कंपनी की ये ड्राइव है दोस्तों। उसके बाद मॉडल नंबर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कुछ पैरामीटर भी मैंने नोट कर रखे हैं। एंड इसका मॉडल नंबर है दोस्तों ABB ACS 550-01-031A-4। वैसे आप नेट पे सर्च करेंगे तो ACS 550 अगर डाल देंगे तो पूरा आपको कंप्लीट इसका मैनुअल है जो वो मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इसकी जो रेटिंग है हमारी VFD की रेटिंग दोस्तों जो है इसकी हैवी ड्यूटी रेटिंग में के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 किलोवाट। अगर नॉर्मल ड्यूटी मोटर पर चलाना है तो 15 किलोवाट तक हम जो है उस एप्लीकेशन तक इसको चला सकते हैं दोस्तों। ये 3 फेज की VFD है एंड 380 से लेके 480 वोल्ट तक इसे इनपुट हम दे सकते हैं। मैक्सिमम इसका करंट है जो इनपुट का वो 31 एम्पियर है। 48 से लेके 63 हर्ट्ज़ इनपुट में हम दे सकते हैं, इनपुट का जो ये जो है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद दोस्तों आउटपुट का जो है 3 फेज की आउटपुट है। एंड उसके बाद मैक्सिमम इसका जो हैवी ड्यूटी पे करंट आएगा वो रहेगा 23 एम्पियर एंड अगर नॉर्मल ड्यूटी पे हमने इसको चलाना है तो वो चलेगा 31 एम्पियर। उसके बाद जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है हम यहाँ पे 0 से लेके 500 हर्ट्ज़ तक इस पर ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करंट हो गया, उसके बाद ये मॉडल नंबर हो गया, ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। चलिए अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन ऑलरेडी कर ही रखे हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पावर मैं ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद VFD में हमारी में पावर आ चुकी है। इसका जो प्लस पॉइंट है, इसका बूटिंग टाइम बहुत कम है, उसका मतलब इसका जो प्रोसेसर है VFD का जो प्रोसेसर है जो प्रोग्राम रन करता है तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो उसके बाद मैंने मोटर भी यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है, छोटी मोटर कनेक्ट कर रखी है। एंड अभी इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए पहले तो ये वाला बटन है, जो ये लोकल रिमोट का बटन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे REM लिखा हुआ आ रहा है तो इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए LOC मतलब लोकल, लोकल का मतलब ये लोकल पैनल हो गया, तो यहाँ से ये ऑपरेट होगी दोस्तों। तो अभी हमने लोकल से चलाना है, चलिए स्टार्ट करके देखते हैं ये चलती है कि नहीं। तो मैं स्टार्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, तो अभी ये देखिए ये 2025 ये अलार्म आ रहा है, हमारी जो मोटर है ये रन नहीं हुई, ये देखिए। तो इसे देखेंगे क्यों नहीं चल रही, तो अगर आपने स्टार्ट करनी है तो कैसे चलाना है। तो ये देखिए अभी F11 फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट कोड में जाएंगे तो फॉल्ट पता लग जाएगा कौन सा है। तो अभी इसको नॉर्मल सिंपल चलाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसको रीसेट करेंगे, पहले स्टॉप करते हैं यहाँ से। अभी एग्जिट से हमने रीसेट करना है इसको, ये देखिए एग्जिट लिखा हुआ, रीसेट लिखा हुआ, दोनों बटन एक साथ काम करते हैं। तो ये लीजिए हमने किया रीसेट। अब हम पैरामीटर में जाएंगे और ये देखेंगे कौन से मोड पे ये सेलेक्ट है, तो ये वेक्टर मोड में है, स्केलर मोड में है, किस मोड में है। तो अभी एंटर दबाएंगे, ये देखिए रेफरेंस आ गया, अब पैरामीटर आ गया, एंटर करेंगे। अभी ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 99 में जाएंगे, तो डाउन करेंगे 99 ग्रुप में एंटर करेंगे। एंटर करते ही यहाँ पे पैरामीटर नंबर 9901 आ गया, तो 04 में जाना है हमें, तो 04 में एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। तो अभी दोस्तों ये वाला जो हमारा मोड है 990, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पैरामीटर में। तो यहाँ पे ये देखिए 9904, ये मोटर कंट्रोल मोड है। तो ये किस मोड में है, तो एक नंबर में था ये वेक्टर स्पीड पे है, दो नंबर में है तो ये वेक्टर टॉर्क पे आ जाएगा, तीन नंबर आ जाएगा तो स्केलर फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा है ये सेटिंग हो जाएगी। तो इन सब के ऊपर में बाद में बात करेंगे, तो अभी हमें जो रन करना है नॉर्मल रन, तो हमें स्केलर फ्रीक्वेंसी में रन करना है हमें। तो चलिए इसे तीन नंबर पे सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ ये देखिए तीन नंबर पे सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे, हम एंटर दबा दिया और पैरामीटर हमारा सेव हो गया। तो एग्जिट कर देंगे, बाहर चले जाएंगे, तो ये देखिए
अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो अभी कोई अलार्म नहीं आ रहा, बट हमारी मोटर भी नहीं चल रही। देखिए अलार्म नहीं आया तो मोटर भी नहीं चली। तो अब हमने क्या करना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, एंटर दबाना है, पैरामीटर आ गया, उसके बाद REF रेफरेंस आ गया। तो स्पीड हमने कहाँ से देनी है, रेफरेंस में जाके फिर एंटर कर देना है। तो यहाँ पे 00 है, तो आपकी जैसे ही दबाते जाएंगे, कंटिन्यू दबा के रखेंगे तो देखिए मोटर रन होने लगी है। तो जितना हम दबा के रखेंगे ये 0 to 50 Hz तक, 50 Hz पे हमारा फुल RPM पे मोटर है जो रन कर जाएगी दोस्तों। तो ये देखिए ये 50 Hz पे हमारी मोटर रन कर चुकी है। तो अभी हमें दोबारा रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से स्टॉप करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दोबारा मैंने स्टार्ट कर दिया, तो जितने पे मेरा सिलेक्टेड है उतने पे ये चलता रहेगा। अगर आपने कम पे चलाना हो तो आप कम फ्रीक्वेंसी करके वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अब यहाँ पे कम कर रहा हूँ तो मोटर का स्पीड है जो कम हो रहा है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा 29 Hz के पास हम आ चुके हैं। तो ये देखिए 20 Hz, तो ऐसे हम कम कर सकते हैं। तो अभी स्टॉप कर रहा हूँ मैं दोस्तों, 20 Hz पे हमारी जो मोटर है स्टॉप हो चुकी है। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये 20 Hz तक ही जाएगी। जितना हमने सेलेक्ट किया कीपैड से वहाँ तक ये मोटर चलेगी, तो वहाँ तक हमारा मोटर है जो नॉर्मल रन हो जाएगी। तो इस तरह से नॉर्मल रन करते हैं दोस्तों, जो स्केलर फ्रीक्वेंसी में रन करते हैं। तो अगर आपने के पास ये वाला मॉडल नंबर है, आपको परेशानी आ रही है, स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप इस तरह से इसको नॉर्मल रन कर सकते हैं। तो आगे से मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके 3 wire 2 wire कनेक्शन और इसके पैरामीटर के बारे में समझेंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना, ताकि और जो न्यू कमर्स हैं उनके पास ये वीडियो, ये नॉलेज उनके तक पहुँच सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।